अगला टॉपिक हमारा सरफेस टेंशन। तो सबसे पहले तो हम आपको डेफिनेशन बताएंगे। सरफेस टेंशन इज डिफाइंड एज द टेंसाइल फोर्स एक्टिंग ऑन अ सरफेस। किसी सरफेस पे जो टेंसाइल फोर्स लगता है, जिसको स्ट्रेच करने का काम करता है, किसी सरफेस को जो स्ट्रेच करने का काम करता है वही होता है सरफेस टेंशन। किसी सरफेस को स्ट्रेच करने का काम करता है वो है सरफेस टेंशन। लिक्विड, गैस किसी में भी होता है और जो कॉन्टैक्ट पॉइंट पे काम करता है, ठीक है, इस तरीके से काम करता है। जैसे कि ये मेम्ब्रेन हो और इसको हुक पकड़ लेते हैं, और जब कई सारे हुक इसमें अटैच हो जाते हैं किसी मेम्ब्रेन में या किसी चादर में, तो क्या होता है उसमें स्ट्रेच आने लगता है। तो इस तरीके का स्ट्रेच इसमें डेवलप होने लगता, इसी तरीके का स्ट्रेच जो है वो लिक्विड बनता है, जिसको हम कहते हैं सरफेस टेंशन। ठीक है, सरफेस टेंशन का जो फॉर्मूला होता है, सरफेस टेंशन को हम टी लिखते हैं, टी इज इक्वल टू होता है एफ वाई एल। दरअसल ये फार्मूला कई सारी बुकों में लिखा हुआ है, लेकिन ये फार्मूला बिल्कुल सही नहीं है। सरफेस टेंशन जो है फोर्स अपॉन एल नहीं होता, क्योंकि क्योंकि जो फोर्स है वो वन डायमेंशन है, टू डायमेंशन है, टू डायमेंशन फोर्स जो है वो टू डायमेंशन पे एक्टिव होता है। वन डायमेंशन में मतलब किसी भी लेंथ पे, सिर्फ उसमें लेंथ है, उस पर क्या कोई फोर्स एक्ट कर सकता है? नहीं कर सकता। कम से कम टू डायमेंशन होना चाहिए किसी भी बॉडी को, तब जाकर फोर्स एक्ट करेगा। तो फिर ये फार्मूला हमको ऐसा क्यों बताया जाता? ये फार्मूला इसलिए बताया जाता है क्योंकि जो सरफेस टेंशन का रियल फार्मूला है वो है, सरफेस टेंशन की रियल डेफिनेशन है वर्क डन बाय एनी लिक्विड एट पर यूनिट एरिया कॉल्ड इट्स सरफेस टेंशन। इट्स सरफेस टेंशन मतलब क्या? वर्क डन पर, वर्क डन किसी भी लिक्विड के द्वारा जो काम किया जा रहा पर यूनिट एरिया पे, उसको स्ट्रेच रखने के लिए। जैसे कोई ये कोई एक चादर है, मतलब पानी की सीट है या कुछ भी है, बुलबुला है, वो किनारों पे क्या कर रहा, पर यूनिट एरिया पर जितना वर्क लगा रहा अपने आप को स्टेबल रखने के लिए, अपने आप को स्ट्रेच करने के लिए, वही है सरफेस टेंशन। ओके, तो अगर सरफेस टेंशन का रियल फॉर्मूला निकालें तो वर्क अपॉन एरिया। अब वर्क क्या होता है? फोर्स इंटू डिस्टेंस। वर्क होता है फोर्स इंटू डिस्टेंस। तो फोर्स इंटू डिस्टेंस, ओके, फोर्स इंटू एफ इंटू डी, वो एरिया होता है लेंथ इंटू डी, एल इंटू डी, तो डी से डी कट गया, सीधा बचता है टी इजकल टू एफ बाई एल। ओके, इस तरीके से आता है टी इजकल टू एफ बाई एल। ये सॉल्व फॉर्म है इसका, सरफेस टेंशन का मेन फार्मूला यही है, टी इजकल टू एफ बाई एल। ठीक है, अब कई सारी बॉडियों पे हम सरफेस टेंशन को निकालने का, कि जब हॉलो बबल हो या सॉलिड बबल हो या सेमी सॉलिड हो या कोई लिक्विड जेट हो, तब उसमें सरफेस टेंशन का फॉर्मूला क्या होगा वो देख लेते हैं।